हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी किट को, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है, उसको क्या हम दो बार यूज कर सकते हैं क्या। काफ़ी ज़्यादा लेडीजों के इस तरह के सवाल होते हैं कि एक ही किट को हम दो बार यूज कर सकते हैं क्या। तो यही हम वीडियो में जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी किट को, एक ही किट को हमको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो प्रेगनेंसी किट होता है उसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो एक बार ही यूज करने के लिए होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और काफ़ी इजी तरीके से उसमें रिजल्ट, काफ़ी फटाफट उसमें रिजल्ट आ जाता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। कुछ लेडीजों को नेगेटिव रिजल्ट सो होता है और वो डाउट में होती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं करके इस तरीके से सोचती हैं, और वो सोचती हैं कि हम इसी किट से अगर दोबारा टेस्ट करें, यानी कि दोबारा उसमें यूरिन डालें, तो क्या ये किट सही रिजल्ट बता देगी। तो ऐसी भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपको इवेपोरेशन लाइन, यानी कि एक हल्की सी कलरलेस लाइन आपको टी सेक्शन पे दिखाई देगी, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव शो होता है ना, वहाँ पे आपको एक इवेपोरेशन लाइन शो हो सकती है, क्योंकि यूरिन कुछ समय बाद सूख जाता है। तो इस कारण अगर दोबारा आप होल में यूरिन डालेंगी तो वो इवेपोरेशन लाइन भी बन सकती है। एक लाइन हल्की आपको फेड कलरलेस लाइन आपको दिख सकती है और आप डाउट में आ जाएंगी कि ये पॉजिटिव तो नहीं है, कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। तो इस तरीके से आप डाउट में आ जाएंगी। तो इसलिए एक बार जब आपने किट को यूज कर लिया है, उसके बाद उस किट को फेंक दीजिए और दोबारा इस किट को उपयोग ना करिए। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रही हो तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।